ब्रैकेट के अंदर log x डॉट dx, ठीक है। मैंने आपको एक बार एक क्वेश्चन कराया था, आप में से किसी को याद हो तो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x प्लस cos log x, किसी को याद है उस क्वेश्चन में क्या दिया था, किसको टी माना था, log x, याद आया। और मैंने आपको फंडा बताया था कि अगर कोई जरूरत है तो log का जाप कर रहा हो तो उस केस में टी माने आप, बहुत फायदा होता है। इस केस में क्वेश्चन ही इससे है, आप देखिए एक तरीका तो है कि cos log x into 1 करें, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग तरीका है, बेस्ट वे है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ऐसे केसेस में आपको जो log x दे रखा है ना उसे आप टी मान लें, और बीच में कुछ नहीं दिया माने ई है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, अगर आपको ये वाली बात भी पता है तो ये भी पता होगा, जैसे ही आप log के डंडा मारेंगे ई के चरणों में, एक्स यही रह जाएगा, ई की पावर टी हो जाएगा। अगर ऐसा है तो x का डेरिवेटिव dx, e की पावर t का e की पावर t dt। इसका मतलब ये बात श्योर हो गई कि जो आपको इंटीग्रेशन दे रखा है उसमें लिखा है cos, क्योंकि आप log x को t मान चुके हो, et, और dx की जगह हो जाएगा et dt। कर दूं भाई, et dt, याद आया। अब आपको अगर पता हो तो ये ट्रिगो और ये एक्सपोनेंशियल, क्या ख्याल है, आई एल ए टी ई, टी पहले ई बाद में, ये बनेगा यू, ये बनेगा वी, राइट है भाई। अगर आपको पता हो तो ये, इसमें देखो अगर आप आई नहीं मानेंगे तो लोचा हो सकता है, अभी फिर भी अपन ने विल इंटीग्रेट है, सबको पता है यू बार माने कॉस टी बार, ई की पार्टी का इंटीग्रेशन ई की पार्टी। अब मैं स्टेप बचाऊंगा, याद है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीयू बाई डीएक्स माने कॉस टी का, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, तो ये बन गया साइन टी इंटू ई की पार टी का इंटीग्रेशन, और जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन, यही तो तरीका था। अच्छा, अगर देखा जाए ये उधर ई की पार टी कॉस टी, ठीक है, कॉस टी माइनस सॉरी प्लस, अब ये अगर देखेंगे तो ये हो गया ई टी साइन टी, राइट है ना भाई, ई की पार टी का इंटीग्रेशन ई की पार टी, तो ई टी साइन टी। अब जैसे आप यहां पे पहुंचोगे तो दोबारा से इंटीग्रेशन मांगेगा, फिर यू डॉट वी मंगवाएगा, यू डॉट वी में फिर से वही होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये यू बनेगा, ये वी बनेगा। अब आप दोबारा नहीं सिरे से इस बात को खोलेंगे। अब आपको बताए यू बाहर माने साइन टी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पार टी जो बोले तो ई टी, लिख दो भाई, एक स्टेप बचा देंगे आप मेरा, माइनस इंटीग्रेशन फिर साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, राइट है भाई, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पार टी डी टी और दोनों का ई टी डी टी, क्या ख्याल है। एक बार जरा जोर से सोचेगा कि ये अपने आप में ई की पार टी इंटू में कॉस टी डॉट डी टी बना, अच्छा प्लस के अंदर ये ई टी साइन टी बन चुका है, अच्छा क्या आप पहचानते हैं ये कौन है, आई, और इधर ऑलरेडी कौन है, तो आई और आई टू आई, तो ये बन गया टू आई इज इक्वल टू में, तब तक सबको पता है कि ये यहां लिखा है कॉस टी एटी, क्या कॉमन आ रहा है कुछ यहां से यहां तक में, क्या चीज एटी, और अंदर ही अंदर क्या हो गया कॉस टी प्लस साइन टी, तो ई की पावर टी इंटू में कॉस टी प्लस साइन टी, क्या ख्याल है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एटी की जगह एक्स, ई की पावर टी की जगह एक्स कॉस टी कॉस लॉग एक्स, राइट है भाई, और प्लस साइन लॉग एक्स, क्या ख्याल है, बन गया कि नहीं बन गया, ये कहानी नंबर एक है ना। अब आपके उसमें जो क्या कहते हैं जीएन बर्मन, उसमें दो क्वेश्चन है, एक है साइन लॉग एक्स और एक है कॉस लॉग एक्स, एक अपन ने कर दिया, राइट है, एक तरह से देखा जाए तो हम लोग बर्मन की सेवा ही कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। ताली तो बजा दो, चलो अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्केट में है, जैसे एक्स इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन में किसी ने दे डाला वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है भाई। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये इतना नियर अबाउट होता है कि आदमी का दिमाग जो है ना पहली चीज सही पकड़ता है, उसे लगता है कि कैसे भी करके अगर मैं टेन इनवर्स एक्स को टी मान लू तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की फील तो आ जाती है, लेकिन उसको फिर थोड़ी सी देर के लिए दिमाग उसकी किरकिराहट देता है, यार वन प्लस एक्स स्क्वायर तक तो ठीक है, लेकिन पावर थ्री बाय टू, अरे यार ये नहीं होती तो ले लेता मैं, ठीक है। वैसे उसका साइनवर्स एक्स को देख करके मन में आता है साइनवर्स एक्स को काश में टी मानू, तो साइनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन अंडरूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडरूट अंडरूट नहीं है यार, अरे यार अंडरूट होता तो मैं ले लेता, समझ रहे हैं आपको, बिल्कुल पहुंचते हैं आप उस जगह पे, तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पहुंचते हैं ना एग्जैक्टली वहीं पे रहे आप थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करें। देखो अगर आपने टेन इनवर्स एक्स को टी मान लिया तो गलती से यहां डिफरेंशिएट ना करें, यहां डिफरेंशिएट करने की बजाय एक स्टेप आगे चले, तो x इज इक्वल टू टेन टी हो जाएगा,
अगर x इज इक्वल टू 10t हो जाएगा तो 100% बात है कि x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा और 10t का sec स्क्वायर t dt ये हो जाएगा ना, कोई खास फर्क नहीं है, माना वही है लेकिन ले जाने का तरीका अलग है। अब देखो जरा, मैं इसको i मान लेता हूं इंटीग्रेशन के अंदर, x की जगह देखो ना, x की जगह कुछ दे रखा है क्या, x की जगह 10t लिख दो भाई, 10 ठीक है इनटू, अच्छा tan इनवर्स x की जगह t, बहुत ही खूबसूरत, अपॉन नीचे 1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह 10t, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर t की होल पावर 3/2। अच्छा और dx की जगह बोलो, बोल दो dx की जगह, इसमें क्या शर्म है, sec स्क्वायर t dt, सही है ना भाई, sec स्क्वायर t dt। अच्छा कितने लोगों का लगता है कि ये t इंटू में 10t अलग कर देता हूं, अच्छा नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर t, sec स्क्वायर t का स्क्वायर 3/2 का कुछ काट देगा, कितना रह गया sec cube t, अच्छा ये बन गया कितना sec cube t इंटू के अंदर ये sec स्क्वायर t, फिर कुछ कटेगा, क्या ख्याल है क्या बचेगा, sec t। कितने लोगों को पता है 10 और sec जब भी दुनिया में आते हैं तो उनके लिए sin cos लड़ाई लड़ते हैं, याद आया, अच्छा तब तक जो समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं sin by cos 1/cos, cos cos कट गया क्या रह गया t sin t, राइट है कि नहीं। अच्छा कितने लोगों को पता है कि t और सुनो t या थीटा, मान लो अगर कल को लिखा हो तो थीटा sin थीटा, तो मैंने कहा था क्या फील करना x, तो आपको याद है x sin x माने algebraic इंटू ट्रिगो, शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी, शॉर्ट ट्रिक का याद है ना, जिसको U है वो तो साइलेंट, रेडी किसको, अच्छा एक सेकंड U तो बताओ, आई लेट में I L A T E कौन पहले, ये U और ये V, U कैसा कॉपी होता है एज इट इज, कर दो तो T की जगह T मल्टीप्लाइड बाई इसका इसका इंटीग्रेशन, याद आया इसका कितना माइनस कॉस टी, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन, वन इंटू में इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन माइनस, सुनने में नहीं आ रहा, माइनस कॉस टी का साइन टी, हाँ माइनस साइन टी, याद एक मिनट रुको रुको रुको, दोबारा देख लो प्लस फिर माइनस, उधर दोबारा देखो टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, फिर टी का डिफरेंशिएशन वन, टी का डिफरेंशिएशन वन और इसका इंटीग्रेशन माइनस, पहले कॉपी हो गया कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, बात समझ में आई आपको नहीं आई, अब चाहो तो आप माइनस माइनस, इसमें माइनस से कभी मत डरना, हमेशा गलती कर दोगे नहीं तो प्लस सी, तो वापस टी की जगह क्या रखोगे बोलो, टी की जगह टेन इनवर्स एक्स, टी की जगह टेन इनवर्स एक्स, अच्छा जल्दी बताओ कॉस टी कहां से लाओगे, यही है सबसे बड़ी बात, बोलो आप cos t नहीं है ना, अब दिमाग लगाओ, कितने लोगों को पता है कि x माने x by 1, बीच में एक तरबूज आ गया, याद आ गया ना, अरे त्रिभुज आया ना, कितने लोगों को पता है ये लिखा है x by 1, तो ये लिखा है अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, बोलो आया ना, तो कितने लोगों को पता है t की जगह आपने क्या बताया, t की जगह tan इनवर्स x, हाँ इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है, माइनस माइनस आगे ले रहा हूं, cos t की जगह बोले 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब आया समझ में, आप में से तो अच्छा बच्चा ना वो यहां एंजॉय करता है, अच्छा यार ये सबसे खतरनाक मोड़ था, मान तो मैं भी बोलता था ये लास्ट में वापस लकड़ा रखना लफड़ेबाजी है, साइन टी बोले तो x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बात सही है कि नहीं, तो दिस इज योर आंसर, क्विक कॉपी खड़ा कर, अच्छा ये याद है अल्टरनेट प्लस माइनस, तो प्लस फिर माइनस, और ये जो माइनस कॉस टी का माइनस साइन टी आया इंटीग्रेशन, तो माइनस माइनस प्लस, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आ जाइएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स डॉट डीएक्स, या में से किसी ने अगर बाय द वे बर्मन लगाई है तो ये एक जरूर समस्या आई होगी, मैं आपको दो क्वेश्चन बताता हूं इसके कैटेगरी के, ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बोर्ड वाला इतनी तो उम्मीद करता है यार कॉस रूट एक्स तो बता दे यार, ठीक है इसका इंटीग्रेशन, ऐसे क्वेश्चन में बेस्ट है, जो बेस्ट पार्ट है करने के बहुत सारे तरीके होंगे, रूट एक्स को टी मान लो, रूट एक्स को टी, सुना रूट एक्स को टी, तो एक्स बराबर ऑटोमेटिकली, तो आप में से देखो तो एक्स का डीएक्स और इसका कितना टू टी डी टी, राइट है भाई, अच्छा अब आप इसको आई मान चुके हो पता ही आपको शुरुआत में, इंटीग्रेशन में आ जाओ, रूट एक्स की जगह टी तो ये जगह कॉस टी, राइट है भाई, और डीएक्स की जगह टू टी डी टी, टू को बाहर ले जाऊं और यहां सुंदर से एक टी अटका देता हूं, डॉट डी टी कर देता हूं, राइट है भाई, अब आपको पता है वही एल्जेब्रिक इनटू ट्रिगो, शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी मेरी, टू की जगह टू रख देता हूं, अब बड़ा जल्दी से समझ लेना, है ना टी साइलेंट, याद है ना टी तो कॉपी,
कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, राइट है भाई। अच्छा माइनस, फिर टी का डिफरेंशिएशन वन इंटू में साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, राइट है ना भाई। अच्छा आपको सबको पता है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा था असली मौका है इसको वापस रखना, असली मौका होता है इसको वापस रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखा और कि हाँ अब हो गया चलो चलो ठीक है। टी टी की जगह रूट एक्स, रेडी भाई रूट एक्स। अब आपको पता है कि अगर ये वाली बात सही है तो साइन टी चाहिए आपको, साइन टी माने साइन रूट एक्स, बराबर है भाई। अच्छा और कॉस टी की जगह खत्म, ये कितना आसान था, हो गया कट जाने। अगला क्वेश्चन करते हैं आप, हाँ भाई अगला क्वेश्चन जो बिल्कुल इसके जैसा है, जिसको देख करके आपको लगता है अरे ये कर रखा है तो वो तो हो ही जाएगा ठीक है, और वो कौन सा है, कॉस इनवर्स रूट एक्स डॉट डीएक्स, कॉस इनवर्स रूट एक्स डॉट डीएक्स, है ना भाई। बड़े ध्यान से सुनना एक एक चीज, इत्मीनान से सुनोगे आज आप सीख रहे हो कुछ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हाथों निर्णय करना पड़ता है। एक निर्णय ये है कि आपने सभी को पता है कि मैंने ही बता रखा है इनवर्स फंक्शन जब भी आ जाए तो आपके लिए बेस्ट है कि आप इंटू वन करके इंटीग्रेट करो। मैंने आपको कल बताया था इनवर्स और लॉग दो ऐसे फंक्शन है कि जब भी क्वेश्चन में आ जाए तो आप वन को सेकंड फंक्शन की तरह यूज करोगे, बता रखा है ना। अच्छा तो आपको हिसाब से देखा था तो इनटू वन करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन ये वाला मेथड मैं आपको थोड़ा सा फर्जी करूंगा यार, बकवास मेथड है, बहुत लेंदी जाएगा, टाइम खोटी करेगा आपका। जो बेस्ट मेथड है उसकी तरफ जाता हूं, बेस्ट मेथड है कि आप इसको एक छोटा सा काम करो, मेथड सेकंड कॉस इनवर्स रूट एक्स है ना डॉट डीएक्स, इस पूरी कहानी में कॉस इनवर्स रूट एक्स पूरे को बाहर बुला लो, कहते हैं आजा बेटा तेरे को टी बनाएंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस टी हो जाएगा, राइट है भाई। और अगर रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस टी हो जाएगा तो रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स डॉट डीएक्स बराबर में कितना कॉस टी का माइनस साइन टी डॉट डीटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा लेकिन आपको तो पता है आपको तो डीएक्स की जरूरत है, तो डीएक्स इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस टू साइन टी इंटू रूट एक्स, बोलो हाँ या ना। अरे इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, डॉट डी टी। अच्छा एक और बात सोचो जल्दी से कि माइनस का माइनस टू का टू साइन टी का साइन टी, क्या वो था रूट एक्स किसी को माना था आपने, किसको रूट एक्स कितना है कॉस टी, तो अब मैं से किसी को बता दो ये कॉस टी कर दूं क्या। अच्छा ये भी आपको किसी को याद होगा, ये कुछ फार्मूला होता है शायद साइन टू टी। अच्छा ये माइनस का कितना हो गया साइन टू टी डॉट डी टी, तो कहने का मतलब अगर आप पीछा करोगे तो डीएक्स की वैल्यू कितनी प्यारी आ गई देखो, राइट है भाई। अब जरा इसको जल्दी से आप आई मान लो, अगर आपने आई मान लिया तो आपको पता है आपने तो पूरे को टी माना था, इसकी जगह तो लग गया टी, राइट है। और डीएक्स की जगह कितना हो गया माइनस साइन टू टी डॉट डी टी। अब आप देखो दोबारा से एल्जेब्रिक इनटू ट्रिगोट, ट्रिक लगने का मौसम आया। अगर आपने ट्रिक लगा दी तो आपको यह भी पता है कि जैसे आप ट्रिक लगाओगे ठीक है, तो ट्रिक लगाने पर आपका आंसर तैयार है भाई, है ना, याद है ना आपको, ट्रिक भूले तो नहीं ना। आई इज इक्वल टू में माइनस बाहर पूरी तरह से, राइट है, टी साइलेंट कॉपी होगा, टी कॉपी होगा, याद है ना, पहला आदमी कॉपी दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो पहला आदमी कॉपी बोले तो टी साइन टू टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू टी डिवाइड बाई टू, फिर माइनस, फिर टी का डिफरेंशिएशन वन इंटू में इसका दोबारा इंटीग्रेशन, माइनस पहले से आ गया साइन टू टी डिवाइड बाई फोर प्लस सी, कर दूं भाई। अच्छा लेकिन मैंने कहा था ना हर बार ऐतिहासिक होता है इसको वापस रखना, चैलेंज वहां से चल होता है, तो टी टी की जगह इस टी की जगह कॉस इनवर्स रूट एक्स रख दूं भाई। अच्छा अब आ जाओ जरा यहां, ये कॉस टू टी है जबकि हमारी पूरी कहानी कॉस टी पे डिपेंड करती है। अब यहां दिमाग लगाना, क्या आप मानते हो कि कॉस टू टी जो होता है ना वो इक्वल टू में टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन होता है, क्या ख्याल है आपका। तो ये माइनस कॉस टू टी इक्वल टू वन माइनस टू कॉस स्क्वायर टी डिवाइड बाई टू कर दूं क्या, सोचो ना। हाँ या ना, क्या कहता विकेश सही है क्या, क्यों, कारण बताता हूं, कारण बताऊंगा। आपके पास सारी चीजें या तो कॉस टी में या साइन टी में, टू टी में कुछ भी नहीं है, टू टी में तो डीएक्स है, तो टू टी की जगह डीएक्स थोड़ी ना रख दोगे, अरे साइन टू टी की जगह डीएक्स थोड़ी चिपका दोगे, डीएक्स तो इंटीग्रेशन में काम आ गया, अरे ये थोड़ी ना पुट हो जाएगा, पुट तो आप कॉस टी की वैल्यू कर सकते हो, बस आपके पास सिर्फ एक चीज है कॉस टी, आपको हर चीज को कॉस टी में घुमाना पड़ेगा। अब मैं कॉस टू टी को कैसे भी करके वन माइनस टू कॉस पर टी तक ले आया, ऐसे ही मेरे को इसके अंदर भी करना पड़ेगा, पहले तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है भाई, बात समझ में आई आपको। अब साइन टू टी को मैं लिख सकता हूं टू साइन टी इंटू कॉस टी डिवाइड बाई
फोर प्लस सी, ये बात समझ में आई? अच्छा, ये माइनस में कॉस इनवर्स रूट एक्स हम पिछली बार लिखे आए थे, वन माइनस टू की जगह टू, कॉस टी की वैल्यू है रूट एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू एक्स डिवाइड बाई टू, किसकी जगह है ना भाई? अच्छा आगे चलो, टू, अब दिमाग यहां लगाओ, कॉस टी की वैल्यू अगर रूट एक्स है तो साइन टी की वैल्यू कितनी होती होगी? डायरेक्ट बोलना, इंटेलिजेंट बच्चा डायरेक्ट बोलता है कि कॉस टी की वैल्यू अगर रूट एक्स है तो साइन टी की वैल्यू अंडर रूट वन माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। नहीं याद आया फॉर्मूला कौन सा? साइन टी बराबर अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर टी। अरे साइन टी बराबर अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, बोलो आया ना? तो टू साइन टी की जगह कितना? अंडर रूट वन माइनस एक्स, कॉस टी की जगह रूट एक्स और डिवाइड बाई फोर प्लस सी। ये आपका आंसर हुआ, आपको समझ में आया? धांसू क्वेश्चन है ये, तो फाइट है, ठीक है? कॉपी उसे जल्दी वाला फटाफट। वो चेक कर लेता हूं मैं, कहां पे? यहां पे क्यों आएगा डिवाइड बाई फोर? अपन नहीं, कहां था ना? नहीं, ये तो हो गया ना? हाँ सही है ना? अरे बिल्कुल भी स्लो मत हो ना, आपकी शीट का एक क्वेश्चन है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको डबल फायदा हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स डॉट डीएक्स, ठीक है? आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें आप इंटू वन करके ट्राई कर लो भले ही, आप, मैं तो खुद कह रहा हूं आपको। देखो इंटू वन करके ट्राई करके देख लो भले आप। किसी को ये वाला फॉर्मूला याद है क्या? साइन इनवर्स एक्स बाई ये, एलएन एक्स प्लस यही, ये एलएन एक्स प्लस यही, ये सेकंड इनवर्स एक्स। अच्छा कितने लोगों को ये वाला फॉर्मूला भी याद है कि एक्स डी एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे वाला? बिल्कुल, हाँ ठीक है, गुड, है ना? चलिए ये वाला अब इस पर दूं मैं, जरा जल्दी से इस पर बात करें, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार तो क्या हुआ टी वाले मेथड से ले आया, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नहीं इनवर्स फंक्शन में अगर कोई पीछे पड़ जाए ना तो इंटू वन करके भी क्वेश्चन के आंसर होते हैं, वो भी दिखाता हूं, ठीक है? इनवर्स फंक्शन में, ठीक है, इंटू वन करके भी सॉल्व होता है, एक मैं करूंगा और एक आप करोगे है ना भाई? तो भारी वाला मैं कर लेता हूं, कई बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं ना, मैं अपने टाइम में किया करता था, इसको सेकंड वर्स एक्स कर देता था, क्योंकि मैं जानता था कि कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स का मतलब सेकंड वर्स एक्स होता था, सेकंड वर्स एक्स करके आसान रास्ता पकड़ लेता था, अब आसान नहीं पकड़ते, अब इंटू वन करके बिल्कुल प्रॉपर रास्ते से निकलता है, भारी पड़ेगा तो दिमाग तेज होगा, राइट है? हमने क्या किया, इसको तुरंत आई लिख लिया, इंटीग्रेशन के अंदर कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स इंटू वन कर देता हूं, डॉट डीएक्स कर दू, यहां तक की बात में कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब आपको बताएं कि मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, तो इसका मतलब ये बनेगा यू और ये बनेगा वी, कितने लोगों को फॉर्मूला याद है? पहला यू बाहर वी का इंटीग्रेशन, यू बार वी का इंटीग्रेशन, कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स बार वन का इंटीग्रेशन, राइट है भाई? वन का इंटीग्रेशन, फिर कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स, एक मिनट, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितने को याद है? माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, फिर वन अपॉन एक्स का
उसका भी तो होगा, नहीं एक आनी पकड़ में, कॉस इनवर्स एक्स होता तो माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू फिर वन अपॉन एक्स का एल एन एक्स, नहीं वो तो इंटीग्रेशन है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। कहानी पकड़ में नहीं आई, उसका डेरिवेटिव आप में से कई लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे, वन अपॉन एक्स का एल एन एक्स हो जाता है ना। दोबारा बोल लू, कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर फिर वन अपॉन एक्स का इतना इंटू तब तक वन का इंटीग्रेशन, और जो दोनों का वापस मल्टीप्लीकेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन करूंगा, पेशेंस है, माइनस माइनस प्लस तैयार, आगे चलता हूं। तब तक आपको सबको पता है वन का इंटीग्रेशन एक्स, तो ये हो गया एक्स कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स। जो हिसाब लगना है ना वो इसी लाइन में लग जाएगा आपको, कि मेरे से क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखा ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर चुपचाप है, हर बच्चे को पता है वो एलसीएम काटेगा, एलसीएम काटते उसे यहां पे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन दिखेगा और नीचे एक एक्स होगा, वो एक्स कहां जाएगा, इसका एक एक्स काटेगा, तो आप बोले तो कर दूं। अच्छा इनटू के अंदर ये वन का इंटीग्रेशन एक्स, ये ऑलरेडी एक और एक्स लेकर आ रहा है डॉट डीएक्स, आपको सबको पता है ये एक्स और ये एक्स फिर कटेंगे, क्या कहते हो, हाँ या ना, तो यहां से सिर्फ रह गया डीएक्स डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आपको पता है मैं एक को स्क्वायर में देखते दूसरे को जरूर स्क्वायर में देखता हूं, तो तुरंत फार्मूला मिल गया ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आंसर एल एन, बिल्कुल एल एन एक्स प्लस यही सही है ना भाई, ये आपको बहुत जल्दी पहुंचा देता है, टी मानने से लंबा जाता है कई बार क्वेश्चन, एक्स कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स, बस आपकी नियत होनी चाहिए भागने की, बन गया। एक और छोटा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगा दिया, जल्दी। अब मैंने जैसा बोला था आप मेरे लिए क्वेश्चन करेंगे, दे दूं एक क्वेश्चन इनटू वन करके तो आपका भी बनता ही है, करो करो ये तो कॉपी करो, हाँ भाई करना आपको है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, करो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन खटाखट, याद है क्या करके करोगे, इनटू वन, बिल्कुल क्विक वाला, ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते जाना और ये क्वेश्चन करते जाना, हो जाएगा, आई मानना जरूर, खटाखट करो। अपन भी कर लें, सबकी पहली बात, सबसे पहली बात साइन इनवर्स एक्स इंटू वन डॉट डीएक्स करा, साइन इनवर्स एक्स बार वन का इंटीग्रेशन माइनस में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वन का इंटीग्रेशन, और जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसे लिख लिया x साइन इनवर्स x माइनस में ये बन गया x, तो ये बन गया x अपॉन अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स, और मैंने अभी अभी आपसे पूछा था याद आया, हाँ भाई, तो आंसर क्या होगा, नीचे वाला, बिल्कुल नीचे वाला, लेकिन अगर x स्क्वायर आगे माइनस हो तो माइनस हो जाए, नीचे वाला याद है, अरे जीबी मसाला है ना, तो अगर देखा जाए तो यहां कितना हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस c, कहानी पकड़ में आ गई आपको, नहीं आई, क्या हुआ c नहीं लिखा था, हाँ भाई कितने लोगों का बन गया, बन गया क्या भाई, अब मैं टेन इनवर्स एक्स करके टेन घुटी ना करूं है ना, लेकिन इंटू वन वाला क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, इंटीग्रेशन के अंदर कल को अगर मेरे को अंडर द रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना होता तो क्या करता बताओ, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं आपसे, ठीक है, अगर मुझे एलएन के अंदर सिर्फ वन प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स दिया होता तो मैं क्या करता, नहीं एक और अच्छा क्वेश्चन भी है मेरे पास में एलएन के, दिखाऊं मेरे पास में एक क्वेश्चन है एलएन के अंदर, थोड़ा और धांसू कर लेते हैं इसको, थोड़ा ज्यादा डरावना कर लेते हैं, एलएन एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ भाई तीन क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे, बताओ साहब कितने लोगों को एक बात कॉमनली स्ट्राइक कर रही है, तीनों क्वेश्चन किसके हैं, और मैंने आपको बताया था एलएन और इनवर्स ये दो ऐसी चीजें जिसमें हमेशा क्वेश्चन अगर आए तो इंटू वन करें, राइट है भाई, तो आपको पता होना चाहिए आपको इंटू वन इंटू वन इंटू वन लिख लीजिएगा, है ना, फंक्शन एलएन का है,
लेकिन लेना फंक्शन है ना एलन का, सो इसलिए टेकिंग वन एज सेकेंड फंक्शन, ये जरूर लिख डालिएगा, क्योंकि फंक्शन एलन का है इसीलिए वन को सेकेंड फंक्शन लिया है। अब चलते हैं आगे, इनमें से एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, रेडी। आप में से कई लोगों को एक बहुत पुरानी चीज भी याद दिलाने का टाइम आ गया, जो बहुत जरूरी भी है। थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इंटू वन डॉट डीएक्स। सबसे पहली बात, आई मानना ना भूलें, हां भाई करूं मत, पहले लिख लें करूं मत, शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत काम की चीज। तीन क्वेश्चन मैंने आपके लिख दिए, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, देखो रेडी पंजाब चालू करूं, है ना भाई। मैंने आपको बताया वन को सेकंड फंक्शन मानना है, इसका मतलब ये भैया कौन है, यू, और ये भैया यू कहां बैठेगा, बाहर। तो यू बार मैंने एलन भैया तो सुरक्षित बाहर एज इट इज बैठा दो। अच्छा फिर किसका इंटीग्रेशन करना है, वन का इंटीग्रेशन, रेडी माइनस। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन, कितने लोगों को इसका डेरिवेटिव याद है, वन अपॉन अंडर रूट में, यही यही इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन अंडर रूट, यही बस यही यही, ये जो अंडर रूट है दैट्स इट। अब आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे को नए स्टूडेंट है, मैं जानता हूं अच्छे से, उनको इसका डेरिवेटिव याद नहीं है, लेकिन आप में से कई लोगों को 100% अभी कुछ देर पहले इसका इंटीग्रेशन बोला गया था, और आपने मेरे को बोला था इसका इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस यही, यही माने यही ना। तो दोस्तों तो इसका इंटीग्रेशन अगर ये, तो इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कहानी पकड़ में आई कि नहीं। अब जरा जल्दी समझ लेना, इसका डिफरेंशिएशन ये इंटू, ये तो इसका डेरिवेटिव, फिर इंटू में वन डॉट डीएक्स, और जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा, भूले तो नहीं, ये बात तो नहीं भूले थे कि वन का इंटीग्रेशन बाकी था। अच्छा वन का इंटीग्रेशन एक्स इंटू में एल एन एक्स प्लस यही कर दो। अच्छा जल्दी से बता देना माइनस इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ, देखो जानबूझ के आपके सामने बैठा रहा हूं, बोलो क्या आंसर होगा, नीचे वाला राइट है भाई। तो आंसर है अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो आंसर हो गया एक्स एल एन एक्स प्लस। कॉपी हो गया क्या भाई, खटाखट कहां पे, नहीं प्लस नहीं हुआ, वो जब एक्स नेगेटिव होता है तब, एक्स नेगेटिव होता तो एक एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है। हो गया, आगे चलते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं, देखो जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तब कुछ नहीं हुआ, जब एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव होता है तो एक नीचे वाला के आगे माइनस आ जाता है। हाँ भाई चलूं अगला क्वेश्चन करूं, रेडी चलो बढ़िया। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स का होल स्क्वायर डॉट डीएक्स। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब डॉट डीएक्स। आप बोले तो एक क्वेश्चन ये भी बना देता हूं कि डीएक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन और दुनिया में फेमस है, x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n डॉट dx। चार क्वेश्चन लिखे मैंने आपके शॉर्ट नोट्स के लिए, वापस एक बहुत जबरदस्त चीज, आप किसी को इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन लगा करके पूछ सकते हो, बताइए इसमें क्या करूं। ये नहीं पूछना कि क्या मतलब आंसर कैसे लाएगा, सब में एक चीज कॉमन है, कोई बताएगा क्या कॉमन है, सब में एक चीज कॉमन है, बिल्कुल सब में पावर है, या तो ये स्क्वायर है या ये क्यूब है या ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर है या फिर पावर में एन है। अगर कभी भी नहीं, ऑड पावर इवन पावर नहीं,
अगर कभी भी किसी भी फंक्शन का होल स्क्वायर क्यूब होल पावर फोर या फिर पावर एन तक भी कुछ दे रखा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने लिखवा रखा है आपको, हमेशा जिस फंक्शन के ऊपर पावर लगी उसे टी मान लें। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मेरे को खेलना है तो मुझे क्या करना चाहिए, एलएन एक्स को टी मान लेना चाहिए। इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेना चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर मुझे खेलना है तो एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी, और इस क्वेश्चन में एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब भी डिग्री हो, लिख रखा है मैंने वैसे, है ना, फिर भी एक बार दोबारा और लिख लेते हैं अपन लोग इस बात को, ठीक है। डिग्री वाले क्वेश्चन में, ठीक है, फंक्शन इनसाइड इक्वल टू टी, बात पकड़ में आ गई। डिग्री वाले क्वेश्चंस में हमेशा फंक्शन इनसाइड इक्वल टू टी, लेकिन ये आसान नहीं है, फिर बताता हूं जो मैंने सिखाया वो आसान नहीं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, जिसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, आईआईटी ने पूछा है और आज तक ये सबसे बढ़िया इनडेफिनेट के क्वेश्चंस में से माना जाता है। मैं एक बार जरा दिखाता हूं, x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर एन डॉट dx। विकेश तैयार? अपने को जरूरत पड़ेगी, ठंड वंड लग रही है तो एसी ऑफ करवा देना थोड़ी सी देर के लिए, फिर वापस ऑन कर देंगे फैन। हाँ करते हैं एक मिनट, है ना। हाँ भाई करू मत, है ना भाई। मैंने जैसा बोला अंदर जो भी फंक्शन है उसे क्या मान लो, तो कितने लोगों को ये पता है कि टी मानने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन सुनो, अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मैं मर जाऊंगा, इसका डिफरेंशिएशन इतना लंबा जाएगा, पूछो मत, राइट है। अब यहां ध्यान से देखना, इसको थोड़ा इसको इसके साथ थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना। क्या आप ये मानते हैं कि मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? क्या भी मानते? बिल्कुल मुंह से निकल गया। इसके बाद मैंने ये कर दिया, आपको पता चला क्या कर दिया? पता चल गया आपको? कितने लोगों को ये भी पता चल गया कि आगे पीछे अब जब होल स्क्वायर आ गया तो खुलेगा भी? क्या ख्याल है आपका? कुछ कम हो रहा है क्या? क्या कम हो रहा है? अच्छा एक्स स्क्वायर। कितने लोगों को यह लगता है कि जरा ध्यान से देखना मैं क्या सिखा रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओहो, एक काम कर दे, टू टी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा लिख दूं क्या? अच्छा अब लास्ट पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्स इज इक्वल टू कितना? टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बाई टू टी, टी स्क्वायर बाई टू टी, इसका मतलब टी बाई टू। अच्छा माइनस में ए स्क्वायर बाई टू टी। अब आया अच्छे बच्चों का मौका, इसका डिफरेंशिएशन डीएक्स, टी बाई टू का डिफरेंशिएशन बोलो, वन बाई टू, वेरी गुड, वन बाई टू, टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। इधर इस वाले का डेरिवेटिव बोलो, इसमें कांस्टेंट है क्या कोई? कौन कांस्टेंट है? ए स्क्वायर बाई टू, वो तो बाहर। अच्छा तो माइनस का ए स्क्वायर बाई टू बाहर, और वन अपॉन टी का, तो प्लस का वन अपॉन टी स्क्वायर, और फिर पूरे के बाहर डी टी। इसका मतलब मुझे dx की जगह सब भरना चाहिए और इसकी जगह पे मुझे क्या लिख देना चाहिए? t। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि अगर मैं इसे i मानता हूं तो मुझे इसकी जगह t बोले तो t की पावर n और मल्टीप्लाई में dx की जगह ये भर देना चाहिए? अच्छा आप में से हर एक जाने को पता है कि 1 बाई टू प्लस के अंदर कितना, ए स्क्वायर बाई टू इंटू ए स्क्वायर बाई टू टी स्क्वायर। यही वो मौका है जब आपको बिल्कुल सजग रहना है, एक एक बात समझनी है, डॉट डी टी, है ना। अब ढक्कन भी होगा तो उसे पता गुणा कर सकता हूं मैं, टी की पावर एन की वन अपॉन टू से गुणा कर दी तो कितना होता है बोलो? टी की पावर एन बाई टू डी टी प्लस, आपको पता है दो इंटीग्रेशन में आ गया। जल्दी से सोच के जवाब देना, जिस दिन टी की पावर एन की इससे गुणा होगी कुछ होगा, टी की पावर एन माइनस टू, बात समझ में आई आपको? अच्छा और ए स्क्वायर बाई टू कहां जाएगा? बाहर, क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर बाई टू बाहर और टी की पावर एन माइनस टू, तो इधर भी कुछ बाहर आना चाहिए था, कौन? वन बाई टू बाहर ले लो, टी की पावर एन बाई टू डॉट डी टी। कितने लोगों को पता है वन बाई टू की जगह वन बाई टू, टी की पावर एन का टी की पावर एन प्लस वन अपॉन, ओके, और ए स्क्वायर बाई टू की जगह स्क्वायर बाई टू इंटू इसका बोलो टी की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन प्लस सी, और टी की जगह क्या रख दूंगा मैं लास्ट में, एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। यहां पर लिख देंगे बस, कहानी पकड़ में आई? कर लेंगे कोई कॉपी, इसमें असली फाइट टी मानने के बाद है, ये टी मानने में लड़ाई है असली।
हाँ भाई, अगला क्वेश्चन मैं जानबूझ करके ले रहा हूं, इंटीग्रेशन में बहुत ही काम के दो क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब डॉट डीएक्स, ठीक है भाई। आगे चलो, अभी थोड़ी देर पहले आप में से किसी को अगर याद हो तो हमने एक क्वेश्चन किया था x tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, किसी को याद है क्या किया था उस क्वेश्चन में? tan इनवर्स x को p माना था। इसका मतलब ये कि दुनिया को ये पकड़ में आ जाना चाहिए कि जिन क्वेश्चन में इनवर्स होता है और साथ में कोई और होता है, उस क्वेश्चन में जो इनवर्स है उसी को। तो आप में से कितने लोगों को यह आइडिया पड़ गया कि जरूर इस क्वेश्चन में मुझे कॉस इनवर्स एक्स को टी मानना चाहिए? तो आप में से कितने लोगों को यह आइडिया पड़ गया कि एक्स की जगह कॉस टी, अच्छा एक्स की जगह कॉस टी, तो डीएक्स की जगह माइनस साइन टी डीटी। अब लास्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, देखना आप, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज चलने वाली है। कॉस इनवर्स एक्स की जगह आप में से हर एक जने को पता है टी, क्या ले लो? टी ले लो, टी इंटू में वन अपॉन एक्स क्यूब की जगह, वन अपॉन एक्स क्यूब की जगह वन अपॉन कॉस क्यूब टी, सही है ना? तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूं वन अपॉन कॉस क्यूब टी, लिख लू कॉस क्यूब। अच्छा डीएक्स की जगह माइनस साइन टी डीटी। अच्छा आप में से कितने लोगों को यह भी लगता है कि माइनस टी तक भी ठीक है? हाँ, क्या आपको लगता है एक कॉस इसे देना बनता है? तो ये हो गया माइनस का टेन टी इंटू सेक स्क्वायर टी। तो अगर मैं इसको सेक स्क्वायर टी इंटू टेन टी लिख लूं तो चलेगा? अब आप बताइए कि ये सब आपस में मल्टीप्लाई में कितने फंक्शन है? लेकिन हम तो फार्मूले में दो को जानते हैं, तो हमारे को ये तीन को कैसे भी दो में बदलना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में कई बार आपकी शीट आपको लेके आएगी जिसमें आपको तीन तीन फंक्शन दिखेंगे, आपको चुनना होगा कि मैं बेस्ट टू चुन लूं। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है वो सुनो, एक ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन आपको पता हो, जब भी ठीक है ना तीन फंक्शन आ जाए, जब भी तीन फंक्शन आ जाए तब तब आपको ये डिसाइड करना है कि कोई दो का इंटीग्रेशन बाहर लेकर के सॉल्व कर लें, बस ये है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज। अगर कभी भी तीन फंक्शन हो ना तो कोई दो फंक्शन अलग ले जाओ कि ये दो मैं प्यार से इंटीग्रेट कर सकता हूं। कैसे? जैसे मुझे पता है इसके अंदर अक्सर ये राय आती है और सही आती है कि अगर मैं बेस्ट होगा कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर सेक स्क्वायर टी इंटू में टेन टी को अलग से इंटीग्रेट करके देख लूं, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है कि अगर मैंने टेन टी को जेड मान लिया तो सेक स्क्वायर टी डॉट डी टी बराबर डी जेड हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका? तो सेक स्क्वायर टी और डी टी हटेगा और उसकी जगह क्या घुस जाएगा? डी जेड, और टेन टी की जगह जेड, तो ये हो जाएगा जेड डी जेड, और जेड डी जेड का जेड स्क्वायर बाई टू। क्या कहते हो आप, कहानी पकड़ में आई कि नहीं? अच्छा कितने लोगों को समझ में आ गया कि इसका इंटीग्रेशन है जेड स्क्वायर बाई टू? जेड स्क्वायर बाई टू बोले तो बिल्कुल टेन स्क्वायर टी बाई टू, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन जानता हूं तो ये भैया बनेंगे वी और ये भैया बनेंगे यू। अब मुझे ये भी पता है कि इंटीग्रेशन में यू बाहर, इसका मतलब माइनस से टी बाहर, यू बार माने वी टी बार, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर टी बाई टू कर दो। बहुत ही गजब की चीज है, ये चीज सीखना जरूर आप, क्योंकि सारी चीज सीख गए, ये रुक गई तो पता चला सीट के तीन क्वेश्चन रुक गए। माइनस फिर टी का इंटीग्रेशन खोल दो, टी का डिफरेंशिएशन वन, इसका इंटीग्रेशन करूंगा ना भाई, सेकंड स्क्वायर टी टेन टी और फिर जो दोनों का आएगा उसका डी टी, माइनस वन का तो भूल जाओ। इसका इंटीग्रेशन आपने देखा कितना? टेन स्क्वायर टी बाई टू डॉट डी टी। अच्छा माइनस बाहर टी इंटू में टेन स्क्वायर टी बाई टू, टेन स्क्वायर टी बाई टू। हाँ भाई इसका क्या करूं, मैं भूल गया। कुछ लोग मेरे को कहेंगे सर सबसे पहले कॉन्स्टेंट हटा लो आंखों से, हटा लू क्या? तो हमें से किसी को पता हो तो 1/2 बार टेन स्क्वायर टी को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? सेक स्क्वायर टी माइनस वन। अच्छा सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर टी का टेन टी, हाँ या ना? तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1/2 ब्रैकेट में कितना? टेन टी माइनस वन, वन का टी ना, एक्स तो नहीं टी।
राइट है. अच्छा, और ये तो हुआ भाई, ये टी इंटू में कितना, टेन स्क्वायर टी डिवाइड बाई टू, और बाहर की तरफ क्या चल रहा है, माइनस. बाकी तो आप संभाल लोगे, है ना. एक चीज रह गई आगे की नहीं, कहानी. जब भी तीन फंक्शन हो, कोई दो किनारे करो, उसका इंटीग्रेशन बाहर चेक कर लो, ठीक है. अब मेरे को नहीं लगता कुछ भी बच रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा मैं, कुछ भी. मतलब मैं बताऊं आपको, जब ये कर लेंगे और हम लोग इसके बाद वो बर्मन करके चुकेंगे ना, लिटरली बता रहा हूं आपको, मैं पिछले साल से भी कम से कम नहीं करते हुए अभी, ठीक है. क्वेश्चन कम हो गए लेकिन मैंने कंसेप्ट डबल कर दिए, हर चीज बताता जा रहा हूं मैं. पिछले साल मैंने एक गलती कर दी, शॉर्ट नोट्स नहीं बनवाया था, बेवकूफी थी वो मेरी. बार भी नहीं बनेंगे, है ना. तो आपके लिए यक्ष प्रश्न चालू होता है. वन प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स डॉट डीएक्स. मैं दोबारा से मेरे आज से पांच लेक्चर पहले के फंडे पे आ जाता हूं. पांच लेक्चर पहले मैंने एक फंडा दिया था कि जो डीएक्स के साथ लिखा है वो किसी का डेरिवेटिव होता है, और किसका डेरिवेटिव वो आपको ढूंढना होता है. और सबको दिख गया एक्स प्लस साइन एक्स को मैं क्या मान लू, टी. उससे वन प्लस कॉस एक्स डॉट डीएक्स बराबर डीटी हो जाएगा. ओवरऑल अगर ये डीटी हो गया और ये टी हो गया तो इंटीग्रेशन में डीटी बाई टी माने एल एन टी, और एल एन टी बोले तो एल एन एक्स प्लस साइन एक्स. इसको तो बिल्कुल बात भी नहीं करनी. लेकिन मजा क्या है पता है, क्वेश्चन में आपके साथ आपका सीन खराब कर देता है भाई. है एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डॉट डीएक्स. बच्चे को लगता है अभी भी एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लो ना. तो सर वन प्लस कॉस एक्स, मैंने कहा मान लेता हूं, तू ही बता दे. अगर मैंने एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लिया, ठीक है, तो वन प्लस कॉस एक्स डॉट डीएक्स बराबर डीटी होना था. लेकिन ये तो डीएक्स अपॉन है, तो अब की बार तो तेरा डीटी फेल है. अब आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो कई बार आपके साथ ये चोट करेगा. जब आपको लगा अरे ये तो टी मान के यूं कर दूंगा, और आप जैसे यूं करोगे तो वो बोला यूं नहीं हो रहा, ठीक है. अब समझना ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है. कितने लोगों का लगता है कि वापस दिमाग लगाता हूं, एक्स अपॉन, बहुत ध्यान से देखना और एक ही लाइन में समझ सको तो समझ जाना. क्या आपको पता भी चला क्या कर दिया मैंने, अलग अलग आया ना, वन के नीचे एक्स के नीचे अलग, एक्स के नीचे अलग डिवाइड और साइन एक्स के नीचे अलग डिवाइड. लेकिन वन प्लस कॉस एक्स बच्चा बच्चा जानता है सब हिंदुस्तान में. किसी से भी अचानक सब्जी वाले से पूछोगे वन प्लस कॉस एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बता देगा. आया ना, इसीलिए तो आप नहीं बताते, इसीलिए तो हमको सब पता है यार. सब्जी वाला बताता है यार, इतना लो स्टैंडर्ड नहीं खेलता, ठीक है. टू कॉस पर एक्स बाई टू कितने लोगों को पता. लेकिन 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 इसके एक्स बाई टू को देख के इसको बहुत जलन होती है कि यार मेरे को कम समझाया गया. हम भी तो टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू हैंगे. हाँ या ना, और आपको तो पता है टू और टू कॉस और कॉस ये बन गया टेन एक्स बाई टू. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मौका मौका मौका, एक मिनट पहले सोचो कितने लोगों को याद है कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन. जिसकी तरफ देख रहा हूं चुप हो जाता है. एल एन एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तू बताएगा बेटा एक मिनट एक मिनट. एल एन टेन बाई फोर प्लस एक्स बाई टू. ओह नो, और कोई हाँ एक मिनट एक मिनट. एल एन मॉड सेक एक्स, क्या कहते हो, एल एन मॉड सेक एक्स सही है क्या? बिल्कुल सही जवाब. क्या कहते हो, तो पहली बात तो हो गया एल एन मॉड सेक एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का वो भी तो आएगा अपॉन में या इंटू में, अपॉन में वन बाई टू प्लस सी. अच्छा चलो इधर आ जाओ, इधर अगर आप में से किसी को बताओ तो ये लिखा हुआ है वन अपॉन टू एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स बाई टू. कितने लोगों को पता है ये किसी का प्रोडक्ट है, तो यहां क्या लगेगा, यूवी. यूवी लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर प्रोडक्ट है तो आईबीपी लगने से कोई रोक नहीं सकता. सबको पता है वन बाई टू बाहर, है ना भाई. ध्यान से सुनना, इस बार आप में से अच्छे बच्चे मेरे को एक लाइन में बाहर लाएंगे, एक लाइन में, या फिर यू समझिए हम दोनों मिलकर एक लाइन में बाहर आएंगे, राइट है. सबको पता है एलजेब्रिक इंटो ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिक लगेगी भाई, लगाएं क्या महाराष्ट्र.
लगाए जय महाराष्ट्र। हाँ भाई अपने को पता है ना पहले का ए इंटू टी दिमाग लगाओ एक मिनट क्या मेरे को हंसी आती है मेरा दिमाग चला जाता है। हाँ भाई एक्स बार सेक स्क्वायर टी का टेन टी बाई टू अपॉन वन बाई टू रुको साइलेंट थोड़ा सा। हाँ भाई सबको पता है ना एक्स बार सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का टेन टी बाई टेन एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का वन बाई टू ये तो पता चल गया। अच्छा फिर माइनस फिर एक्स का डिफरेंशिएशन वन भूल गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बोले तो टेन एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू बोले तो टू बार पता चल गया। अरे वन अपॉन टू का टू ठीक है डॉट डीएक्स क्या ख्याल है। अच्छा मेरे को तो यहीं से भी बाहर ले आओ कहो तो मैं यहीं से बाहर आ जाऊं। टेन एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन अभी किसी ने बोला था हटा दो क्या कितना एलएन मॉड सेक एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू कर लोगे आगे तो कॉपी सिंपल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मजाक में तो हो गया ये अच्छे क्वेश्चंस में से एक माना जाता है ध्यान रखना ये तो फर्जी है। लॉज ऑफ कैंसलेशन क्या बन गया। हाँ भाई चालू करें इससे ही पता चल जाता है ना कोई कला नहीं कला का सख्त अभाव। हाँ भाई चलो आगे है ना ये लॉज ऑफ कैंसिलेशन क्या है जब भी इंटीग्रेशन में लिखेगा यूज व्हेन इंटीग्रेशन हैव इंटीग्रेशन हैज टू फंक्शंस विद प्लस और माइनस साइन। अगर कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर एक ही इंटीग्रेशन में दो फंक्शन हो और प्लस माइनस साइन हो तो हमेशा लॉज ऑफ कैंसिलेशन बहुत बड़ा सीन बन सकता है। जरा क्वेश्चन को समझना मैं आपके सामने दो तीन क्वेश्चन एक के बाद एक दिखाऊंगा राइट है भाई। आप में से किसी को हो सकता है पहली बार में एक फंक्शन दिखे हो सकता है किसी को ना दिखे e की पावर माइनस एक्स डॉट डीएक्स सपोज क्वेश्चन ये है राइट है। आप में से हो सकता है किसी को एक ही फंक्शन दिखता हो लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये दो फंक्शन है आप देखिए एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स डॉट डीएक्स क्या कहते हो आप। जैसे ही मैं बोलूंगा ये दो इंटीग्रेशन में बिखर गया अगर दो इंटीग्रेशन में बिखर जाए ना तो इसका मतलब 100% लॉज ऑफ कैंसिलेशन होगा। अभी लॉज ऑफ कैंसिलेशन क्या कहता है वो तो सुनो। लॉज ऑफ कैंसिलेशन कहता है कि ऐसे क्वेश्चंस में अधिकतर में 90% क्वेश्चन में आप एक का इंटीग्रेशन रोक दो और एक का इंटीग्रेशन चलाओ। जैसे ही आप एक का इंटीग्रेशन चलाओगे ना तो 100% होगा किसी का इंटीग्रेशन बचे हुए इंटीग्रेशन को उड़ा के चल देगा आपको दोनों को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं यू डॉट वी लगाऊंगा यू डॉट वी अगर मैं लगाता हूं तो इंटीग्रेशन क्या होगा ये यू ये वी अरे आईलेट है ना ए पहले ई बाद में तो एक्स बाहर ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फिर एक्स का डेरिवेटिव वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डॉट डीएक्स और फिर से उसका इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स डॉट डीएक्स चुपचाप इसको छेड़ा ही नहीं। लॉज ऑफ इंटीग्रेशन कहता है एक का इंटीग्रेशन रोक लो राइट एंड वेट एंड वॉच इसको सॉल्व करो एक्स ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन याद है ना कि किसका माइनस वन माइनस एक्स का ये तो बात समझ में आ गई आपको है
अच्छा माइनस, अच्छा इसमें दिमाग लगाओ, वन का तो वन हटा दो, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन अपॉन माइनस वन, इसको हटा करके वापस नॉर्मल हो गया। अच्छा पीछे चल रहा है माइनस ई की पावर माइनस एक्स डॉट डीएक्स, क्या 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 कुछ कट रहा है क्या? ये ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का और ये ई की पावर माइनस एक्स का माइनस का, क्या ये दोनों हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे? सो द आंसर विल बी माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? तो लॉज ऑफ इंटीग्रेशन कहता है अगर कभी भी एक इंटीग्रेशन में दो दो इंटीग्रेशन हो प्लस माइनस साइन के साथ, तो हर बार ऐसे क्वेश्चन में क्या करने का है? एक का इंटीग्रेशन रॉक लो, नहीं डबल नहीं है बेटा, वन इंटू है। हाँ तो इंटीग्रेशन में होता है ना डीयू बाई डीएक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डीएक्स, वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर है ना। डीयू बाई डीएक्स इंटू माई वी डॉट डीएक्स ऐसा। अब डीयू बाई डीएक्स इज इक्वल टू वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डॉट डीएक्स, फिर दोबारा से इनका पुनः इंटीग्रेशन, फिर करो आगे चले ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, जो कि आगे का माइनस माइनस हटा देगा, और फिर ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, इसको रोक दिया यही तो कटेगा पीछे, नहीं सिंटेक्स 402 एरर ऑकर्ड 404 ठीक है। हाँ भाई चलो आगे, वो होता है कभी कभार पता है कोई चीज हैंग हो जाती है, क्योंकि इसका इसका जो प्रॉब्लम आया ना वो ऐसा प्रॉब्लम आया ना जिसको कोई भी देख के समझ सकता है अटक गया, इसका कुछ अटक गया वो अपने आप ही निकल जाएगा है ना। हाँ भाई चलो अगला क्वेश्चन करूं। तो आप में से कितने लोगों को लास्ट में लिखने के लिए फंडामेंटल लाइन पकड़ में आ गई कि अगर कभी भी दो इंटीग्रेशन मतलब एक ही इंटीग्रेशन में दो फंक्शन हो, बीच में प्लस माइनस हो, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो और एक का इंटीग्रेशन निभाओ और एक का रोक दो, एक के इंटीग्रेशन में 100% ऐसा कुछ एलिमेंट मिल जाएगा जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अरे अब मेरे साथ हो ना, हाँ ना छह जनों को छोड़ देते हैं ना, सिद्धार्थ तू भी मेरे साथ है ना। हाँ भाई बात समझ में आई क्या? तेरे को परेशान कर देगा ये बाय गॉड, और इससे भी ज्यादा तेरे से भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो वो है जिसे कभी जिंदगी में इसकी शादी होगी मैं तो। हाँ भाई चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में दे रखा है ई की पावर कॉट एक्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे इसकी बहुत जबरदस्त डिमांड करते हैं ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है, देखिए साहब क्वेश्चन देखा आपने है ना। हाँ भाई अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडी? ये क्वेश्चन में कितने लोगों को मेरी कई भी बात समझ में आ गई कि एक इंटीग्रेशन में दो फंक्शन बीच में प्लस माइनस, अगर ऐसा है तो दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग, अगर मैं अलग अलग कर देता हूं तो ई की पावर कॉट एक्स इंटो में कितना कॉसेक एक्स कर दूं अलग डॉट डीएक्स, माइनस के अंदर ई की पावर कितना, अरे सॉरी कॉट एक्स इंटो कॉसेक्स, और यहां हो जाएगा ई की पावर कॉट एक्स इंटो कॉसेक एक्स डॉट डीएक्स। अब क्या करूं बोलो आप? एक जगह का इंटीग्रेशन रोक दो और दूसरी जगह का इंटीग्रेशन ऑन, रेडी? अब यहां पे सुनना, यहां आईलेट फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है क्योंकि ये तो जीरो एफ है, गो फंक्शन है, ई की पावर एक्स में किसी ने एक्स को हटा लिया उसकी जगह कॉट घुसा दिया, ये जीएक्स नहीं है जीओ एफ है। तो ऐसे केसेस में आपको तय करना होता है किसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ई की पावर कॉट एक्स का या कॉस एक्स का, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो आप ऐसे केसेस में इसको वी मान लो और इसे यू मान लो, आपने फंडा सीखा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है आपको, ये चेक करना है किसका इंटीग्रेशन पता है, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं, रेडी? अब आप क्या करोगे, ई की पावर कॉट एक्स भैया बेटा बाहर आ जाओ, हम तब तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं कॉस एक्स का, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, राइट भाई? माइनस ई की पावर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर कॉट एक्स का ए के पावर कॉट एक्स और कॉट एक्स का, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, धीरे धीरे, राइट भाई? इंटू में फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, अरे विकेश सही है ना, ये इसका डेरिवेटिव, ई की पावर कॉट एक्स का डेरिवेटिव, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बोल दो आप, तो कितना साइन एक्स या माइनस साइन एक्स, साइन एक्स ओनली, माइनस ये जो है इसको चुपचाप बैठा रखा है, ई की पावर कॉट एक्स इंटू में कितना कॉस एक्स डॉट
dx. क्या आप मेरी बात समझ गए? अरे सही है या गलत? अरे बोलो सही है। अच्छा अब जल्दी से ये भी समझा दो, कितने लोगों को पता है, ध्यान से देख के जवाब देना, ये साइन से कॉसेक की एक डिग्री कटेगी क्योंकि ये वन अपॉन साइन स्क्वायर है। अच्छा कितने लोगों को पता है माइनस और माइनस? अच्छा ये दिख रहा है ई की बार कॉटेक्स इंटू कॉसेक एक्स डॉट डी एक्स, और वो भी प्लस का, और ये दिख रहा है माइनस का ई की पावर कॉटेक्स एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और ये तो आंसर हो गया ए की पावर कॉटेक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। क्या आपको फंडामेंटल समझ में आया? तो अब अपन अपनी बात को लिख लेते हैं, ठीक है। इन लॉज ऑफ इन कैंसिलेशन वी स्टॉप इंटीग्रेटिंग वन इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेट अनदर। दैट इंटीग्रेशन कैंसल्स आउट स्टॉप्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। दैट इंटीग्रेशन कैंसल आउट स्टॉप्ड इंटीग्रेशन। लॉज ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग एक इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करना बंद कर देते हैं और इंटीग्रेशन से आने वाला एक इंटीग्रेशन रोके गए इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देता है, राइट है भाई? ये जो भी मैंने बोला, आप में से किसी ने अगर मेरी बातों को बिल्कुल गहराई से और ध्यान से सुना है तो मैंने एक बात बोली थी कि ये काम 90% में कर जाता है। इसका मतलब 10% में कुछ और भी होता होगा, और 10% में ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपने इसको इंटीग्रेट करा और इंटीग्रेट करने के बाद जिसका इंटीग्रेशन रोक दिया वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो आपको कुछ खास नहीं करना है, जिसका इंटीग्रेशन आपने रोक दिया उसको इंटीग्रेट और करना है। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप उसका इंटीग्रेशन करते हैं u डॉट v से और आगे वाले का इंटीग्रेशन u डॉट v से करते हैं तो दोनों का पीछे वाला इंटीग्रेशन कट जाता है, माने एक स्टेप ज्यादा करवा लेगा वो आपसे, राइट है। लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूं ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना 100% आपकी नींद उड़ाता है, ठीक है। और इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी, बीच में माइनस दो इंटीग्रेशन है, ठीक है। और ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इतनी सारी बातें हैं इंटीग्रेशन के दौरान में, हर बार कुछ ना कुछ नई बात जुड़ी जाती है, ठीक है। तो इसमें बहुत प्रैक्टिस की भी जरूरत है इसमें, ठीक है। तो अपने को मजाक में भी बहुत सीरियस रहना है ना, सिंसियर रहना है, बस सीरियस नहीं रहना। सीरियस तो आदमी एक ही जगह होता है, कहां पे? आईसीयू में, याद है ना डॉक्टर क्या बोलता है 12 करके, इज वेरी सीरियस, है ना। ई की पावर में दे रखा है साइन एक्स, एक्स कॉस क्यूब एक्स, माइनस में दे रखा है साइन एक्स, राइट है भाई, और नीचे दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, राइट है भाई। हाँ भाई कितने लोगों को कहानी में ये बात समझ में आ गई कि दो फंक्शन दिखने लग गए? पक्का दो फंक्शन दिख रहे? रेडी? हाँ भाई दोनों फंक्शंस के ऊपर बात करता हूं, e की पावर साइन एक्स की जगह e की पावर साइन एक्स, रेडी? अच्छा ये तो किसी को डर ही नहीं है, मेरे को पक्का यकीन है कि कॉस स्क्वायर एक्स एक बार इसके नीचे जाएगा तो एक्स इंटो कॉस एक्स, माइनस में जिस दिन इसके नीचे गया sec x tan x, क्या कहते हो आप? sec x tan x डॉट dx। कोई बड़ी बात ऐसी कोई बात नहीं करी मैंने जो आप देख करके कहो गया अमेजिंग, ये तो बिल्कुल कोई भी कर सकता था, ढक्कन भी करेगा। अच्छा सबको पता है ये दोनों की जिस दिन मल्टीप्लाई हो गई, अरे एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको ढंग से लिखता हूं, x इंटो में e की पावर साइन x इंटो कॉस x डॉट dx, माइनस जिस दिन मैं इसको इसके साथ गुणा करके लिखता हूं e की पावर साइन x इंटो में sec x इंटो tan x डॉट dx, रेडी? अब जरा ध्यान से सुनना, कितने लोगों को पता है कितने फंक्शन है?
इधर कितने हैं? मैंने क्या सिखाया था, तीन फंक्शन के केस में कोई दो अलग से इंटीग्रेट होते हैं। कितने लोगों को पता है ये बहुत प्यार से इंटीग्रेट होगा? इस क्वेश्चन में अगर सोचो ये होता ही नहीं, सपोज मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना होता, आपका अंधा भी बता देगा कि इस केस में किसको टी मानना है, साइन एक्स को, क्योंकि ये बन जाएगा साइन एक्स, तो कॉस एक्स डॉट डीएक्स डीटी। कभी भी कॉस एक्स को टी नहीं मानना था, क्यों नहीं मानना था, क्योंकि वो तो डीएक्स के साथ बैठा है, जो डीएक्स के साथ बैठा है वो तो डिफरेंशिएट होकर बाहर आएगा बेचारा। अगर आप उसी को ले गए, अरे जो मरीज को लेके आए आप उसी को ले गए ऑपरेशन के लिए, नहीं आया कि चल बेटा तू ले गए, नहीं है, आपको पता होना चाहिए आपको साइन एक्स को टी मानना है। अच्छा चलो मेरे को ये बता दो कि आप में से कितने लोग ये जल्दी जल्दी समझ जाते हैं, इकी बार साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डॉट डीएक्स लिखा है, आपने साइन एक्स को क्या माना, टी, तो कॉस एक्स डॉट डीएक्स क्या हो गया, डीटी, तो ये हो गया इकी पार टी और ये डीटी, इकी पार टी का इकी पार टी और इकी पार साइन एक्स, तो आप याद रखना इसका इंटीग्रेशन इकी पार साइन एक्स बन जाओ, है ना, एक्स की जगह एक्स, यहां दिमाग लगाता हूं, हाँ भाई इधर दिमाग लगाते हैं, कितने लोगों को पता है किसका इंटीग्रेशन एक साथ है, ये दो दिख रहे हैं लेकिन ये एक है, किसका इंटीग्रेशन आता है आपको, sec x tan x का, क्या आपको पता है बात, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, श्योर है? अच्छा अब एक मिनट जरा धीरे धीरे, x इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं भाई, कर दूं? अच्छा जल्दी से बताना, x बाहर, इसका इंटीग्रेशन e की पावर sin x, रेडी, माइनस इंटीग्रेशन ओपन, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ इसका e की पावर sin x डॉट dx, ठीक, एक सेकंड, इसका इंटीग्रेशन हटा दूं, हो गया, अच्छा इंटू माइनस में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं e की पावर, इसका ब्रैकेट खोल रहा हूं, e की पावर sin x बाहर, इसका इंटीग्रेशन sec x, बोले बढ़िया, माइनस इसका इंटीग्रेशन e की पावर sin x का डेरिवेटिव e की पावर sin x इंटू cos x इंटू में इसका इंटीग्रेशन sec x, आप बोलो मैं तो रुका हुआ हूं, राइट है भाई, और डॉट में dx और फिर बाहर आ गया मैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मैंने दोनों का इंटीग्रेशन किया इस बार? देखा आप में से कीजिए, अगर मैं दोनों का इंटीग्रेशन करता हूं तो ये आपको पता है sec x और cos x तो कट गए, इंटीग्रेशन क्या रह गया, एक ही बार साइन एक्स। अच्छा यहां इंटीग्रेशन में क्या दिख रहा है, एक ही बार साइन एक्स इंटू वन करने का तो दर्द नहीं है ना किसी को, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन, कहने का मतलब आंसर में क्या रह गया, एक्स एक ही बार साइन एक्स। अच्छा ओके, ये उल्टा माइनस के कारण ही कटा है क्योंकि प्लस का हो गया, है ना भाई, एक ही बार साइन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, हाँ ठीक है।